साहित्य के इतिहास का तीसरा काल रीति काल के नाम से जाना जाता है। रीति रीति का अर्थ होता है नियम या परंपरा से। इस काल के अधिकांश कवि आचार्य कवि हैं जिन्होंने काव्य शास्त्र के नियमों का पालन किया, यानी काव्य रीतियों का पालन किया, अतः इसे रीतिकाल नाम की संज्ञा दी गई। वही प्रख्यात विचारक और साहित्यकार मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है, क्योंकि इस काल में अलंकारों का बहुधा जो है बहुलता से प्रयोग किया गया है। रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं और रीतिकाल को श्रृंगार काल भी कहा गया है। रीतिकाल के अंतर्गत तीन तरह की काव्यधारा हमें दिखाई देती हैं, रीतिबद्ध काव्यधारा, रीति सिद्ध काव्यधारा और रीति मुक्त काव्यधारा। सबसे पहले हम बात करते हैं रीतिबद्ध काव्यधारा की। इस काल के कवियों ने काव्य शास्त्र के नियमों में बनकर कविता लिखी। जिन कवियों के द्वारा काव्य शास्त्र के नियमों में बनकर कविता लिखी गई वो रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। इनमें चिंतामणि, केशवदास, देव, रसलीन, मतिराम जो है आदि का नाम आता है। रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रथम कवि चिंतामणि थे, लेकिन अगर प्रश्न आता है रीतिकाल का प्रवर्तक कौन है तो रीतिकाल का प्रवर्तक केशवदास थे। ध्यान दीजिएगा, केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक हैं और रीतिकाल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि रीतिकाल में अधिकतर आचार्य कवि हैं और ये आचार्य कवि किसी ना किसी राजा के आश्रित राज दरबार में कविता करते हैं। इसलिए इस काल की कविता दरबारी कविता है, इस काल की कविता श्रृंगारी कविता है। इस काल के काव्य का प्रमुख रस श्रृंगार रस है और इस काल के काव्य में नारी सौंदर्य का नक्षिक वर्णन किया गया है। नक्षिक वर्णन करने वाला पहला कवि गंग था। इस काल की कविता में बारहमासा और षड ऋतुओं का भी प्रमुखता से वर्णन किया गया है। रीतिकाल के काव्य की भाषा ब्रज भाषा रही, यदा कदा कहीं कहीं पर अवधि का भी इस्तेमाल किया गया। केशवदास के बारे में बात करते हैं। केशवदास ओरछा के राजा वीर सिंह जो है के दरबारी कवि थे, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, क्योंकि केशवदास की कविता ऐसी थी जो आम आदमियों की समझ में नहीं आती थी, बड़ी कठिन कविता थी। केशव है राजकुमार हलाहल कौरन खाई लियो रे, ता लगी घोर महीपन को घृत घोर दियो ना सिरो नहीं हो रे, मोरी कही अब मानो कुठाल जो चाह कहो बहु काल जियो रे, कहो कौलो सुख कहां जो लोग रघुवीर की स्वर्ण सुधा न पियो रे। इतनी कठिन कविता जो आम आदमी की समझ में नहीं आती है, इसी कारण केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। केशव जहां